हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका 10 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आप सबों के लिए क्लास 12 होम साइंस का गेस क्वेश्चन लेके आया हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर लेंगे और आपको साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। जी हाँ, तो कौन सा रेशा है जिससे सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कपास पौधे से हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। जी हाँ, तो किस राज्य की है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बिहार हो जाएगा। चलिए, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है। जी हाँ, तो सड़ने का क्या रीजन है खाद्य पदार्थों के। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। जल की संरचना होती है। जी हाँ, तो किससे होती है जल की संरचना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। जी हाँ, तो कौन सी योजना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएंगे। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है। जी हाँ, तो कौन सा पारिवारिक बजट है। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सारे क्या है, यानी पारिवारिक बजट के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8। घर मानव जीवन को प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से है। तो कौन से गृह सज्जा के मुख्य साधन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि प्रदूषण से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, जो सुनने की समस्या हो जाती है। जी हाँ, यानी बहरापन हो जाता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ऊन के रेशे में होता है। जी हाँ, तो क्या होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। जी हाँ, तो क्या सामान्य लक्षण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है। जी हाँ, तो कैसी आय होती है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, निश्चित होती है, यानी जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति होते हैं उसकी आय क्या होती है, निश्चित होती है। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ, तो अंडे और शुक्राणु की संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। धन तथा संपत्ति को माना जाता है। जी हाँ, तो क्या माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, भौतिक साधन माना जाता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। जी हाँ, तो कौन सी गैस है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जी हाँ, तो कब से हो सकती है। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। जी हाँ, तो क्या क्या बेनिफिट है स्वच्छ भारत अभियान के। तो ये 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है। जी हाँ, तो कौन से कला का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सुरक्षा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। जी हाँ, तो क्या दर्शाता है। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या, मानकीकरण चिन्ह। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। जी हाँ, तो किस चीज का निर्माण होता है अंडाशय में। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता
का लक्षण है। जी हाँ, तो कौन से खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से कौन पोषक तत्व है। जी हाँ, तो कौन से पोषक तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में वसा का स्रोत है। जी हाँ, तो वसा का क्या स्रोत है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। घी क्या है, वसा का स्रोत है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है। जी हाँ, तो कौन सा सबसे कोमल तंतु है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, रेशम हो जाएगा। रेशम क्या है, सबसे कोमल तंतु है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यानी मानव शरीर में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यकृत हो जाएगा। जी हाँ, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा खनिज मिलाया जाता है नमक में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आयोडीन मिलाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 छार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र। जी हाँ, तो क्या हो जाते हैं ऊनी वस्त्र, यानी छार के संपर्क में, तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। जी हाँ, तो कितना देर सोता है, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 16 से 18 घंटे सोता है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31 डाकघर में खाता खोले जाते हैं। जी हाँ, तो कौन से खाता खोले जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एकल या संयुक्त हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यानी द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। जी हाँ, तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 33 पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। जी हाँ, तो भोजन क्या हो जाता है, तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 में वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ये पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। जी हाँ, तो भाई 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आता है चाय का धब्बा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। 37 में निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है। जी हाँ, तो कौन सा गर्भ अवस्था का परीक्षण है, तो भाई 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं मूत्र की जांच हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कौन विनियोग की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विनियोग की विधि है, तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, जो थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, थायरोक्सिन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी तो शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कितनी है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कहाँ पे होता है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी शादी विवाह में होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 में 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। जी हाँ, तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पूरक आहार देना चाहिए। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 43 में कीमती वस्त्रों को, जी हाँ, तो कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए, तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ड्राई क्लीन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा धर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। जी हाँ, जो मासिक धर्म होता है वो स्त्रियों में कब समाप्त हो जाता है यानी एंड हो जाता है, तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 45 से 50 वर्ष की
आयु के बीच। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन 45 में, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में, परिवार में प्रतिमा अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। जी हाँ, जो परिवार में जो हर माह जो आय कमाई जाती है, अर्जित की जाती है, उस आय को क्या बोलते हैं, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, पारिवारिक आय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना होता है, सबसे अधिक यानी छुड़ाने में कठिन लगता है, तो अभी 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिखनी यानी अज्ञात हो जाएगी, जो अज्ञात धब्बा होता है उसको छुड़ाना क्या होता है, काफी कठिन होता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा तरीका है खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने वाला, तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, परिशीतन द्वारा हो जाएगा। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 50 में, इसमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। जी हाँ, तो बिहार का सुई शिल्प कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, सुजनी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन 51 में, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। जी हाँ, तो क्या लग जाती है, तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, फफूंद लग जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन 52 में, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी विधि नहीं है। जी हाँ, तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, भौतिक विधि हो जाएगा। जी हाँ, ये कपड़े यानी वस्त्रों में धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन 53 में, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। तो कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। कृषि में कीटनाशकों रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो कौन सा कैसा प्रदूषण होता है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मिट्टी प्रदूषण होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन 55 में, भोजन विषाक्त होने के कारण है। जी हाँ, तो क्या रीजन है विषाक्त होने के, तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन 56 में, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, तो कौन प्रदान करता है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में, कला के सिद्धांत है। जी हाँ, तो कला के कौन से सिद्धांत है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। जी देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। जी हाँ, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पारिवारिक बजट है। जी हाँ, तो यहाँ पे नहीं नहीं यानी क्या है, यहाँ पे यानी पारिवारिक बजट है। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एक सारे क्या है, पारिवारिक बजट के उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। जी हाँ, तो कौन सा कारण है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा भाग नहीं है, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अंडाशय हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। आहार आयोजन का महत्व है। जी हाँ, तो क्या महत्व है, तो किसके लिए है, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, परिवार के लिए हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। जी हाँ, तो कितने दिनों की होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 280 दिन की होती है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में, पारिवारिक साधन है। जी हाँ, तो कौन से। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सभी उपकरण हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तो किस पर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी पर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कौन से दिन में, तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 30 अक्टूबर को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। क्या 67 में,
FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, तो कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं जैम हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 68। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, तो कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी दूध हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 69। क्या है 69 में? किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एस्ट्रोजन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 70। जी, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? सूती। ये क्या है? प्राकृतिक तंतु है। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोगों ने 70 सेलेक्टेड क्वेश्चन कम्प्लीट किया। जी हाँ, तो मैंने आपको जो 70 यहाँ पे क्वेश्चन कराया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 70 जो गेस्ट क्वेश्चन है वो कम्प्लीट किया है, तो आपको फिलहाल में देख लेना। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों आपको शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।